अटल जी के जमाने से लेकर मोदी जी जमाने तक भाजपा नंबर वन स्थान में है, हम मजबूत है। इस बार हमको ज्यादा वोट भी मिलेगा, सीट भी मिलेगा तमिलनाडु में, अकाउंट ओपन करेंगे केरल में, तेलंगाना में नंबर वन प्लेस में हमें रहेंगे, आंध्र में एनडीए जीत हासिल करेंगे, सारे तमिल साउथ इंडिया में इस बार भाजपा ज्यादा सीट जीतेगा ऐसा पक्का है। लेकिन सारे साउथ इंडिया में आप कह रहे हैं भाजपा ज्यादा सीट जीतेगा, अगर 2019 की बात करें तो हमने देखा कि 29 ओवरऑल बीजेपी ने सीट एनडीए पूरा मिलाकर 29 सीट था इस बार, और जिसमें सबसे ज्यादा जो संख्या थी डेफिनेटली कर्नाटका की थी 25। तो क्या इस बार भी उतनी ही सीटें ला पाएंगे? हाँ, इस बार हम लोग लक्ष्य रखा है 28 सीट में, 28 सीट में भी हम जीत हासिल करना, एनडीए के नाते ऐसा जीत हासिल करना ऐसा लक्ष्य में रखा है। कर्नाटक में जीत सकता है, इंडिपेंडेंट एमपी रहे मंडिया में सुमलता जी, वो भाजपा में शामिल हो चुका है। जेडीएस 2019 में भाजपा के खिलाफ लड़े, इस बार भाजपा का साथ है, वो लोग 3 सीट में लड़ रहा है एनडीए प्रत्याशी के नाते। ज्यादा हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, 100% जीत हासिल करने का अपॉर्चुनिटी है। और मोदी जी के बारे में कर्नाटक का जनता ज्यादा विश्वास भी रखा है, प्रेम भी रखा है, उनका नीति और नेतृत्व के वजह से हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन ये प्रेम और विश्वास असेंबली इलेक्शन में क्यों नहीं था? वो अलग है, अलग असेंबली इलेक्शन में अपना ही थोड़ा गलती रही, कुछ पॉलिसी के बारे में हम गलती निर्णय लिए और गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा नेगेटिव एटमॉस्फेयर रहा, उसके वजह से हम हारे। क्रेडिबिलिटी कमजोर हुई थी उस समय, उसके वजह से हम हारे। इस समय ऐसा नहीं होगी। मोदी जी के बारे में देश भर कैसा प्रेम रखा है ऐसा ही कर्नाटक में भी विश्वास रखा है, गुजरात के जैसे कर्नाटक भी है ऐसा विश्वास रख करके उनको वोट दिया है और देता भी है। जेडीएस और बीजेपी का जो अलायंस हुआ है ये कितना मजबूती प्रदान करेगा इस इलेक्शन में? नेचुरल अलायंस ऐसा कह सकता है, एक जमाना में हम सब लोग जनता परिवार में रहे हैं ना, हम एक ही जनता परिवार में, हम जनता पार्टी में सब लोग रहे, उसके बाद जनता पार्टी अलग बन गया, भारतीय जनता पार्टी अलग बन गया, सभी कांग्रेस के खिलाफ 30-40 साल हमने काम किए, इसके लिए नेचुरल अलायंस है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है इस समय हम लोग चिकमंगलूर, अगर इधर की बात करें और तमाम जो ये क्षेत्र है, कैसा यहाँ का, किस तरीके से आपका लग रहा है इस बार? लगभग 98 से लेकर एक उपचुनाव छोड़कर सभी चुनाव में भाजपा जीता है, ये भाजपा का गढ़ ऐसा मान सकता है। उडुपी चिकमंगलूर कॉन्स्टिट्यूएंसी कंटिन्यूअसली विनिंग द इलेक्शन बीजेपी ओनली। एक अहम सवाल, क्योंकि पिछली बार असेंबली में भी हमने देखा था कि लिंगायत लीडर्स के पीछे हट जाने के बाद या कई लोगों का पार्टी चेंज कर देने के लिए जगदीश शेट्टार हो या हालांकि वो बाद में पार्टी में आ गए, इस बार देख रहे सीनियर लीडर ईश्वर अप्पा जी नाराज हुए और उसके बाद उन्होंने निर्णय भी ले लिया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कितना असर दिखेगा इसका, इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ? ये मोदी जी का लहर है ना, वेव है ना, वो उसके वजह से बाकी फर्क ऐसा नहीं पड़ेगा, हम जीतेंगे सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हम जीतेंगे। हाँ ठीक है, ईश्वरप्पा जी के एक बड़ा नेता रहे, अपना ही नेता रहे, हम उनको निवेदन किया है सार्वजनिक रूप में, आप देश देख करके
पार्टी देख करके, मोदी जी को देख करके निर्णय निर्णय लेना चाहिए। आपका निर्णय देश हित में रख करके निर्णय लेना, ऐसा हमको हम लोग उनको निवेदन किया है।